अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कैदी सुधार में एक नया हलचल हो गया है जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश अपने महिला को चुना है, क्या उनके बारे में कुछ कहें और कुछ बताइए उनके। डॉक्टर देवेंद्र बेंद्रे तकरीबन 15 साल से सोशल अच्छे लेवल पे लोगों को साथ देती है और इनका बहुत सारा सोशल एक्टिविटी है। इनको देख के हमने इनको मैडम को हमने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के लिए नियुक्ति दी हुई कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन के। जितना भी मैडम का अभ्यास है पूरे महाराष्ट्र के जेलों में जाके हर एक कैदियों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एक सक्षम है। धन्यवाद। मैम सबसे पहले अपना नाम। माय नेम इज देवयानी बेंद्रे, आई एम अ डॉक्टर, आई डिड अ पीएचडी इन म्यूजिक। मैं खास आपके लिए सबके लिए कहना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं म्यूजिक में हूँ और शान से कहती हूँ मैं डॉक्टर देवयानी बेंद्रे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज काफी समय के बाद एक कैदी सुधार वेलफेयर में एक बड़े पोस्टिंग पे आपकी पोस्टिंग हो गई जो कि महाराष्ट्र लेवल में महाराष्ट्र पेशेंट है, तो मैम कितनी खुशी है आपकी आप कैदी सुधार वेलफेयर में जो प्रवेश किया आपने? कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन इसमें आज मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र पद पे अध्यक्षा बना दिया है। लेकिन ये जब अध्यक्ष का पद संभालते हुए मैं बहुत गहराई से साथ सोच से जुड़ी हूँ कि मैं अगर कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ समाज में इस फाउंडेशन को लेके तो मुझे खुद की सोच बदलनी पड़ेगी और खुद की सोच बदलने के लिए ये कहना जरूरी था कि खुद अपने जो विचार होते वो अपने को खुद को बदलने चाहिए क्योंकि बदलने के बाद आप समाज के विचार बदल सकते हो। और इसीलिए अशोक राव जी ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है, ये फाउंडेशन के मेन संस्थापक है, उन्होंने जब जिम्मेदारी दी ली तो मैं दो दिन सोची कि मैं ये जिम्मेदारी निभाने के लायक हूँ या नहीं, क्योंकि समाजकरण करते करते काफ़ी लोगों से जुड़ते हुए समाज में होने वाले गुनहगारी की जो तादाद है वो बढ़ती जाती हुई दिखती है, औरतों के लिए जरिया लोगों का जो है वो काफ़ी बदलाव हुआ दिखता है। तो ये सब सोच बदलने के लिए मुझे आगे आना पड़ा और मुझे अशोक राव जी संस्थापक जी ने जो ये जिम्मेदारी दी है वो निभाने के लिए मैं सक्षम हूँ कि नहीं, मैं दो दिन सोची और फिर मैंने ये जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी ली है। और ये जिम्मेदारी लेते हुए मैं अशोक राव जी का सच में दिल से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना विश्वास मेरे ऊपर जताया। मैम अगर बात करें तो आपने जिस तरह से बताया कि दो दिन आपने सोचने को समय लिया, तो दो दिन में आपने ऐसा क्या सोचा कि मतलब कैदियों को सुधारना किस तरह चाहिए या जो एसिड विक्टिम हो रहे हैं उनको सुधारना कैसे चाहिए या जो रेप के केस हो रहे हैं उसको सुधारना कैसे चाहिए, अदर जो पुलिस से परेशान है उसको सुधारना कैसे चाहिए, क्या सोचा आपने ये दो दिन में? देखिए हर इंसान जब जन्म लेता है वो इविल इंटेंशन से नहीं आता है, कुछ अच्छी सोच के वाले लोग भी होते, वैसे ही बुरे इंटेंशन जो लेके आते हैं जन्म के बाद उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। आदमी पैदाइशी गुनहगार नहीं होता है लेकिन सिचुएशन जैसे होती जाती वैसे वो बदलते जाता है। ये सिचुएशन में जो दो मिनट का फासला होता है उसमें आदमी कैसे क्या कर जाता है, वो दो मिनट सुधारने के लिए हम लोगों के पास होते हैं कि नहीं ये दो मिनट में आप अपने मन की शांति मत खोने देना, आप अपना आपा मत खोने देना, क्योंकि दो मिनट जो जिंदगियां गुनहगार करने वाले की भी बदल देता है और गुनहगार का विक्टिम होने वाले की भी बदल देता है। तो ये दो मिनट जो होते हैं वो दो मिनट में हर एक की ज़िंदगी से चुराना चाहती हूँ और उसमें अच्छाई भरना चाहती हूँ। ये सिर्फ दो मिनट के लिए रेप केस हो, पुलिस से जो बेजार हुए हो, सिर्फ दो मिनट, और ये दो मिनट का फासला चेंज करने के लिए मुझे आज 15 साल हो गए, मेरे पीछे 2000 कम से कम महिलाएं जुड़ी हुई है, इस कार्यकारिणी का भार निभाते हुए मेरे को एकदम आगे आने की अभी ज़रूरत पड़ रही क्योंकि रेप केस बढ़ रहे क्या है, औरतों के ऊपर जुल्म होते हुए दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें समाज से वॉश आउट करने के लिए दो मिनट का समय हर एक इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी का देना चाहती हूँ, क्योंकि समय जो होता है वो कितना भी पैसा आप खर्च करो वो वापस नहीं आता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारा पल और सबसे जो अहम चीज़ है समय, वो मैं लोगों को देना चाहती हूँ इस वेलफेयर की तरफ से। अरे मैम आपने जैसे बताया कि आपके साथ 2000 महिला जुड़ी है, तो क्या ये जिम्मेदारी आप उनको भी सौंपेंगे? देखिए जिम्मेदारी सौंपना और जिम्मेदारी निभाना दोनों चीज़ें अलग है।
सौंपने के लिए मैं 2,000 नहीं 20,000 लोगों को दूं, लेकिन जो कार्यकारिणी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। आदिशक्ति करके अलग अलग संस्थाएं जुड़ी है, मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग इकट्ठा आके संगठन बनना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी वेलफेयर है, ऐसी काफ़ी तादाद में वेलफेयर्स होंगे, फाउंडेशन कैदी सुधार गुरु के जैसे अशोक राव जी ने पहल की है वैसे काफ़ी लोग होंगे। हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होके ये चीज़ों में से रास्ता निकालने के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। मैं पहले नंबर पर रात को कितने बजे भी मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, मुझे 24 घंटे 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर वुमन्स। लेकिन ये कैदियों में जो आप बोल रहे हैं कि मैं 20,000 लोगों को 2,000 नहीं, आई बिलीव इन द क्वालिटी नॉट इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी विल बी लेस, नो प्रॉब्लम, क्वालिटी शुड बी बेस्ट। मैम आपको महाराष्ट्र में अध्यक्ष का पोस्ट मिला है, तो अभी जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, तो क्या पुलिस स्टेशन के या जेल के मुआयना करोगे जाके, किस तरह से करोगे? मैं 64 जेल्स आर इन महाराष्ट्र, मैं शुरुआत करूंगी मेरे कर्मभूमि जन्मभूमि से, मुंबई से। मुंबई में 2 जेल्स है, एक 7 रास्ता पे है जिसको आर्थर रोड जेल बोलते हैं और वो ब्रिटिश से जुड़ी हुई है, उनके समय से है, और दूसरी है तलोजा। तलोजा में सबसे बड़े ज़्यादा क्रिमिनल जो बड़े लेवल के हैं वो तलोजा के हैं, वो नवी मुंबई में स्थित है, 77 एकर्स की वो जगह है, उसमें स्थित है। कैदियों के साथ जो बर्ताव, कैदियों के साथ कोई कोई अनजानी घटनाओं के साथ भी जुड़ते हुए पुलिस पकड़ लेती है, जो है ही नहीं गुनहगार, ऐसे लोगों को हम ढूंढेंगे, महिलाओं को, पुरुषों को, और उनको न्याय देने के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़े, किसी वक्त भी जाना पड़े, आई एम ऑलवेज देयर। क्योंकि मेरा एक ब्रीद वाक्य है कि पत्थर पानी में मत फेंको, कोई और भी ये पानी पीता है, पत्थर पानी में मत फेंको, कोई और भी ये पानी पीता है, और जिंदगी इस कदर जियो कि आपको देखकर कोई और भी जीता है। अच्छा मैम, अगर बात करें तो आगे ये सब जेल में जाना या ऐसे ये सब करना, उसके लिए अशोक राव जी का आपके साथ में किस तरह से बॉन्डिंग रहा है? बॉन्डिंग नहीं, मैंने कहा ये आंसर इसी शेर में है कि मुझे देखकर कोई और जीने के लिए चाह रखेगा। वैसे अशोक जी का ये जो कार्यकारिणी है वो देखने के बाद मैं इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए भागदौड़ कर रहा है। आज कोरोना के पीरियड के पीछे बाद में हर इंसान खाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब करवा, लेकिन वो एक इंसान है जो दूसरों की फीलिंग के साथ जुड़ा है कि दूसरों की जिंदगियां बनाना चाहते हैं। हम लोग कुत्ते बिल्लियां पक्षी जेल में अपना छोटा सा कैद खाना होता है घर में अपन पकड़ के रखते हैं, नहीं, उसको भी आज़ाद करने की जैसी इच्छा हमारी है वैसी ये पंछी है जो जेल में पड़े हुए हैं। ये इंसान है, इंसान होके अगर हम लोग इंसान के फीलिंग्स नहीं समझेंगे, तो अशोक राव जी के पास यही चीज़ मैंने सीखी है कि इंसान को इंसान समझो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो परिस्थिति से बना हो, कोई भी ऐसा नहीं जानबूझ के बना है, तो हमें उसकी बैकग्राउंड निकाल के जो जायज़ हो, जो सच्ची हो, उनका साथ देना है और सच में उनको कैद खाना से आज़ाद करना है कि आज़ाद पंछी हो गया, हमारा यही एक मकसद है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।